हेलो फ्रेंड्स, ऑल टिप्स पीसीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमें एक समीकरण को संतुलित करना है। ये समीकरण लिख दिया हूँ कि सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, संतुष्ट करना है, यानी बैलेंस करना है। तो समीकरण बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि इस साइड जितने परमाणु हैं उस साइड भी उतने ही परमाणु हो। इस साइड अगर दो नाइट्रोजन है तो उस साइड भी दो ही नाइट्रोजन होना चाहिए। इस साइड में जितने ऑक्सीजन है उस साइड भी उतने ही ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इस समीकरण को हमें संतुष्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड देखते हैं कि कितने कितने परमाणु हैं। जैसे इस साइड सबसे पहले हम नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन दो है। इस साइड नाइट्रोजन कितना है? एक ही नाइट्रोजन है। इस साइड कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक दो कार्बन यहाँ पे दो है। इस साइड कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है? दो हाइड्रोजन। इस साइड में कितने हाइड्रोजन? एक ही हाइड्रोजन है। इस साइड में कितने ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो ऑक्सीजन, एक तीन तीन छ, यानी छह ऑक्सीजन है। और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन। तो इस साइड देखिए दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन इस साइड कैसे होंगे? दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे दो कार्बन है तो इस साइड दो कार्बन करने के लिए दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन यहाँ करने के लिए दो से मल्टीपल, यहाँ भी दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। तीन दूनी छह, छह ऑक्सीजन इस साइड में हो जाएगा। तो यानी इस समीकरण में हमें सभी जगह दो से, यानी दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो दो से मल्टीपल कर लेते हैं तो संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने कार्बन? एक और एक दो कार्बन, यहाँ पे भी दो कार्बन, दो से गुणा है दो कार्बन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? दो एक तीन, दो तीन छह, छह ऑक्सीजन। यहाँ पे भी तीन दूनी छह ऑक्सीजन। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टू आगे लगा है यानी एन ही सिर्फ दो है, हाइड्रोजन एक है, ऐसा नहीं होता है। दो का मल्टीपल सभी में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सभी में है। यानी दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन दो कार्बन एवं तीन दूनी छह, यानी छह ऑक्सीजन है। तो इस समीकरण को हम संतुष्ट कर ले गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक।